तो यार पुष्पा प्लस पुष्पा का होल स्क्वायर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 मूवी की, या फिर आप पुष्पा द रूल पार्ट 2 भी कह सकते हो, तो इसका हाइप डाउन हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यार जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो इसमें कोई हाइप नहीं दिखाई दी जो हाइप होती है मूवी को लेकर, जैसा कि सलार और KGF 2 के टाइम पर दी, राइट। वो उसमें ऐसा कुछ भी मतलब कोई हाइप नहीं है, क्योंकि जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो रिलीज़ होने के 24 घंटे में ही, अगर मैं KGF 2 की बात करूं तो यार ये लगभग 7 करोड़ व्यूज तक पहुंच चुका था लगभग 24 घंटे में ही। और अगर बात करें इसी टाइम पर सलार की 24 घंटे में, तो ये 8 करोड़ व्यूज से भी ज़्यादा जो है वो पहुंच चुकी थी सलार। लेकिन जो पुष्पा 2 है इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये टीज़र रिलीज़ के 24 घंटे के बाद इसमें कुल 4 करोड़ ही व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर पाए हैं। तो यार ये आपको लगता है ना कि इसमें उतना ज़्यादा मतलब कोई हाइप वगैरह नहीं, अब ऐसा क्यों है और इसकी रिलीज डेट कब है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और जो व्यूअर्स नए हैं यार, मैं उनको बता दूं, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर वसीम यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोज आपको अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए। देखिए पुष्पा 2 द रूल का जो है वो हाइप डाउन तो है यार, क्योंकि ये फिल्म जो है वो 500 करोड़ के बजट पर बताई जा रही है। इसका जो बजट है वो 500 करोड़ हो सकता है, राइट। तो ये बात कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर्स हैं उनको चिंता में डाल देती है यार। अब यार हाइप बनती कैसे है, तो देखिए हाइप बनाने के लिए प्रमोशन करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होते हैं, तब जाकर लोगों को पता चलता है कि हाँ कोई मूवी आ रही है। और ये जो है जनता के बीच जब ज़्यादा पता होगा तभी उस मूवी का हाइप बनता है और लोग उसकी टीजर ट्रेलर का इंतजार करते हैं। अब देखिए हाइप जो है वो प्रमोशन से बन जाती है, और कुछ हाइप फ्री में भी बन जाती है। अब फ्री में कैसे बनती है, जैसे कि अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए मूवी को लेकर, तो वो तो यार बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइप बन जाती है उसकी। जैसे कि अगर कोई ऐसा सीन हो सकता है मूवी में जो पहले ही टीज़र में देख लिया गया हो, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग रिलीज़ हुआ हो, कोई गाना वगैरह आ जाता है, तो उसमें कोई ऐसा सीन होता है जो आपत्तिजनक है और जनता को मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो जनता को या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे सभी को उस मूवी के बारे में पता चल जाता है। अब ऐसा ही जो है SRK की मूवी के साथ हुआ था पीछे, जो आपने आपको पता ही होगा, अब मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ उस मूवी का, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो वो इस तरह से अगर हाइप बनती है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा लास्ट में मूवी को ही होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मूवी रिलीज में अभी टाइम है, 15 अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी, और हो सकता है कि जब तक इसमें थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट हो जाए, वैसे चांसेस बहुत कम हैं, अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आप बताना आप इसको लेकर क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कर सकते हो। तो इस मूवी के कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके डायरेक्टर सुकुमार जी हैं, और स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए फहद फाजिल और रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन, साई पल्लवी और जगपति बाबू, प्रकाश राज, ये सब हैं, और भी काफ़ी स्टार्स इसमें हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर ऐसे ही वीडियोज़ पसंद हैं मूवी से रिलेटेड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।